मैं नितिश मेहता, हमारे साथ हैं यहाँ के ब्लॉक मेंबर। सर आपका नाम? बिलूराम। बिलूराम जी, हम यहाँ पे एक स्कूल देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये ज़मीन स्कूल के लिए बनवा के रखी हुई है, पर अभी ज़मीन पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बनी। आप देख पा रहे हैं बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और ठंड का मौसम है, 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर चला जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी अभी तो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से अगर जल्दी से जल्दी हो सके तो लैंड भी मिल चुका है सबको, खाली बिल्डिंग बनाने का है, तो हो सके तो जितना जल्दी हो सके उतना बिल्डिंग बनाई जाए तो बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगी। बहुत आपका क्या नाम है? सिमरन देवी। सिमरन, आप कौन सी क्लास में हो? पहली। अभी क्या पढ़ रहे थे सिमरन आप? ABC पढ़ रहे हो। यहाँ पे ठंडा लगता है? स्कूल की बिल्डिंग चाहिए? हाँ। यहाँ पे ठंडा किस किस को लगता है? जुकाम किस किस को? अभी हाथ ऊपर करो। सबको जुकाम है? अब तो फिर सबको स्कूल की बिल्डिंग चाहिए ना? हाँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज साहिल कुमार। साहिल कुमार, साहिल यहाँ पे ठंडा लगता है? यस। हाँ जी। ओके, कौन सी क्लास में हो? थर्ड। थर्ड में। और पापा क्या करते हैं आपके? अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग चाहिए? हाँ जी। क्यों चाहिए? यहाँ पे ठंडा खुले में अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं। तो स्कूल की बिल्डिंग चाहिए हमको? हाँ जी। चाहिए कि नहीं? चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा, इंक मीडिया एसोसिएट्स चंडीगढ़ की तरफ से। हम हिमाचल के ब्यौरे पे निकले हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है, पहली से पाँचवीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, और जो कि एज वाइज बहुत छोटे हैं, उम्र में बहुत छोटे हैं, और उनका जो स्कूल है यहाँ पर अभी तक कोई बिल्डिंग उनको यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं प्रोवाइड किया गया है। और जितने बच्चे आप देख सकते हैं कि खुले में पढ़ रहे हैं, अगर हम इस एरिया का कवरेज देखें तो आप ऊपर पहाड़ियाँ देख सकते हैं जिनके पीछे सारे ग्लेशियर्स हैं, जो कि बहुत ठंडा माहौल क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। और यहाँ का वातावरण जो है वो बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा है। खुले में पढ़ने की वजह से बच्चों को जुकाम है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, बट फिर भी गवर्नमेंट का इस तरफ जो ध्यान है वो अभी तक नहीं केंद्रित कर पाए हैं हम लोग, जिसका अभी हम लोग एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और स्कूल बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। आइए हम उनके अध्यापक जी से बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गमंती राम है। और यहाँ पे कब से ये स्कूल चला रहे हैं सर आप? 24 अप्रैल 2014 से चला हुआ स्कूल। अच्छा, ये चल रहे हैं यहाँ पे? जो यहाँ पे सुनने में आया था हमारे, ये तो 5-6 साल पहले इसको रजिस्ट्री मिल गई थी यहाँ पे स्कूल की, तो सरकार द्वारा ये 2014 में खोला गया ना। पहले तो प्रपोजल दी गई थी ना 2010 से। 2010 से इसकी रजिस्ट्री जो है स्कूल की ऑलरेडी स्कूल के पास है, बट कुछ कारणवश ये इनको यहाँ पर स्कूल अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या रीजंस हैं हम एक बार जान लेते हैं। सर यहाँ पर जो ज़मीन है स्कूल की, ये तो डोनेटेड बताई गई है, तो ये अभी अगर डोनेटेड है तो गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक काम क्यों नहीं किया? आपने अर्जी नहीं भिजवाई है? हमने तो अर्जी तो भिजवाई है, 3-4 रेजोल्यूशन तो SMC थ्रू चले गए हैं, लेकिन अब वो बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर को भेजे हैं, डायरेक्टर को भेजे हैं, उसका कोई भी अभी रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो यहाँ पर खुले में बच्चों को कितनी देर तक के लिए पढ़ाते हैं सर? सुबह स्कूल कितने बजे लग जाता है? स्कूल तो 9 बजे शुरू हो जाता है। दोपहर में कब तक होता है? ये 12 बजे सेस होती है, 12 से 12:40 तक। तो अभी सर जैसे सर्दियाँ हैं आपको पता है, तो खुले में बच्चे पढ़ते हैं तो इनको स्ट्रेंथ कम नहीं होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं? तो स्ट्रेंथ जब ज़्यादा ठंड होती है तो बच्चे आते नहीं हैं, फिर घर से नहीं आते हैं, तो स्ट्रेंथ तो कम तो फिर इससे स्कूल के बच्चों पे, जो स्कूल का जो पढ़ाई है बच्चों की उस पे कुछ तो फर्क तो नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, वो तो प्रभावित होती है पढ़ाई तो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो पहली से पाँचवीं यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठंड में और खुले में पढ़ रहे हैं, जिनको स्कूल की बिल्डिंग अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, ये हम हिमाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चों को ज़मीन प्रोवाइड की गई थी जो कि डोनेटेड थी और आगे किसी कारणवश रोक दी गई है, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को स्कूल प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।